हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है फ्राइडे इवनिंग, तो अभी बहुत घर का काम रह रहा है तो मैं ज़्यादा इधर उधर होना पड़ रहा है, तो उसके लिए वीडियो शूट रेगुलर बेसिस में नहीं कर पा रही हूँ। बट फिर भी ट्राई बहुत कर रही हूँ, जब मतलब अगर हैबिट छूट जाएगा तो फिर और करने का मन ही नहीं होगा कुछ भी, तो सब कुछ ही प्रैक्टिस का बात है। तो चलिए मैं वीडियो अभी स्टार्ट करती हूँ, जो जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे जाके। ये मैं सैटरडे का पूरा दिन का करूँगी क्योंकि अभी तो इवनिंग हो ही चुका है। मम्मी और शशांक थोड़े से गए हैं, मम्मी को थोड़ा सा डॉक्टर के पास लेके गए हैं, एंड मैं मॉर्निंग में जाके थोड़ा सा ग्रॉसरी लेके आई थी रिति को स्कूल में छोड़ने के बाद। तो चलिए वो सब अभी ठीक ठाक कर लेते हैं। तो दो बैग स्पेंसर से शॉपिंग की थी। एक्चुअली जो मतलब मेरा खुद का घर है वहाँ पे तो काम हो रहा है, तो वहाँ पे जब गई थी तो सोची कि स्पेंसर से कुछ ग्रॉसरी ले जाती हूँ। डेली इंस्टामार्ट से सब कुछ भूल भी जा रही हूँ, तो अभी धीरे धीरे सबको ऑर्गेनाइज करना है क्योंकि मंडे से शशांक का हॉस्पिटल स्टार्ट हो जाएगा, सुबह मेरा कुकिंग रहेगा, तो उस टाइम थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है ये रूटीन। बट फिर भी जो भी है सेट हो जाएगा रूटीन। अभी ये वीक तो सब कुछ बहुत हैपजटी है, तो अभी ये सब करूँगी एंड उसके बाद 6 o'clock अगर हो जाता ये सब काम, तो 6 o'clock थोड़ा सा जाना है वो घर का, थोड़ा सा टाइल्स वाइल्स का दुकान में शशांक बोल रहा था कि आज ही घूम के फाइनलाइज कर देंगे, तो देखते हैं अगर होता है तो वो भी काम ख़त्म करेंगे। तो ओवरऑल ये ग्रॉसरी शॉपिंग्स है। तो मैं एक ये लेके आती हूँ, सीजर लेके आती हूँ, फिर काट के जल्दी जल्दी इसको अनपैक करते हैं। तो आटा ली हूँ, ये दो पास्ता या मैक्रोनी जो भी आप बोल सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ये मैं एक्चुअली ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, बट यहाँ पे देखिए कि ये सेमोलिना का है, मतलब जो सूजी का है, उसीलिए मैं इसको ली हूँ क्योंकि रिद्धि के स्कूल में भी है। अभी रिद्धि का स्कूल में जो मतलब टिफिन बोले हैं मुझे, उसी हिसाब से शशांक के लिए भी बनाना है, तो कि मतलब अलग अलग को उतना एक घंटे में मैं नहीं कर सकती हूँ, तो उसी लिए सोची हूँ जिस दिन रिद्धि का मतलब पास्ता ऐसा कुछ रहेगा उस दिन मैं शशांक को भी ब्रेकफास्ट में या मैं भी ब्रेकफास्ट में वैसे टाइप का ले लूँ या जो भी हो, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा सा और एक के साथ एक फ्री था सेंसर में, तो ये ली हूँ। बेसन, हम लोग के घर में ज़्यादा मसूर का दाल ही यूज़ होता है, तो वो एक केचप ली हूँ, 3 सॉस का बॉटल ली हूँ, इसमें मतलब सोया सॉस, चिली सॉस एंड टमाटर, रेड चिली सॉस ऐसे टाइप का कुछ है, केचप तो अलग से ली हूँ, एक बॉडी वॉश ली हूँ, एंटी डैंड्रफ शैम्पू शशांक यूज़ करता है हेड एंड शोल्डर का, मैं मेरा लॉरियल का जो कंडीशनर वो ली हूँ, बटर ली हूँ, ये वर्स जो भी घर का होता है, एंड सोया चंक एक बड़ा पैकेट लेके आई हूँ क्योंकि घर में कुछ नहीं रहने से सोया इजीली बहुत, सोया पुलाव या जो भी है सोयाबीन के साथ राइस भी अच्छा लगता है, रोटी सब्जी भी अच्छा लगता है। मैं जो छोला वो भी लेके आई हूँ, वो बॉयल करके भी खाने से अच्छा लगता है, रिद्धि भी उसको अच्छा लगता है, सब्जी भी बना सकते हो। एक छोटा सा घी ली हूँ, दही मैं ली थी दोपहर में खाने के लिए बट भूल गई हूँ, मम्मी के लिए एक ऑयल ली हूँ, फिर ये ली हूँ रोस्टेड घर में से जो सेमैया बोलते हैं वो, एक वाइट ऑयल, एक मस्टर्ड ऑयल ली हूँ, आटा 5 किलो का लेके आई हूँ, चावल लेके आई हूँ और हाँ ओट्स का पैकेट लेके आई हूँ, ये काजल गाड़ी का ख़त्म हो गया था वो, और एप्पल लेके आई हूँ। तो ओवरऑल यही था, अभी इसको सब कुछ अरेंज कर लेते हैं। तो ऐसे करके मैं मैक्रोनी बिस्किट को थोड़ा सा अलग कर दी हूँ, इसमें मैक्रोनी में डाल के रख दे रही हूँ, तो ये अभी 2 मंथ्स मेरा आराम से हो जाएगा, इतना तो लगता नहीं है क्योंकि मैक्रोनी के साथ या पास्ता के साथ तो वेजिटेबल्स यूज़ होता है, तो इतना लगता ही नहीं है, तो होपफुली हो जाएगा। ये दो हो गया है, इसको मैं पहले ये करती हूँ। तो चलिए, और मैं ये सब नहीं दिखा रही हूँ, ये तो सबको पता है कि कितना मतलब बोरिंग काम है ये, मुझे बिल्कुल ये सब पसंद नहीं है, मतलब ये ग्रॉसरी है, बट हाँ ये अभी हैबिट हो गया था। बट डीमार्ट में एक अलग सा था, मतलब जो कि डीमार्ट का प्राइस थोड़ा सा सस्ता है, मतलब हाँ हर एक चीज़ में सस्ता है, उसीलिए कुछ ज़्यादा ही खरीद लेते थे, यहाँ पे थोड़ा सा देख के लेना पड़ा क्योंकि यहाँ पे प्राइस स्पेंसर में मतलब डीमार्ट से बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 20-30 रुपीज़ हर एक चीज़ का ज़्यादा है यहाँ पे। ये
ये सब डब्बा में लेके आई थी। उस दिन शशांक मेरे ऊपर बहुत चिल्ला रहा था कि हाँ ये सब कंटेनर तू ले जा रही है, बट बिलीव नहीं करेंगे, एक एक ये मतलब ऑलमोस्ट 700 की 800 करीब मैं ली थी। ठीक है, तो 700 800, हाँ एक एक का ऐसे ली थी। शायद ये छोटा वाला थोड़ा सा कम लिया था, बट ये तो ऑलमोस्ट 800 करके। तो अभी अगर फिर से खरीदना पड़ता ना तो मतलब बहुत ये लगता कि हाँ थोड़ा, क्योंकि इसके अंदर और भी मेरा थोड़ा थोड़ा सामान आ गया है। तो वही मतलब लेके आई थी, थैंक गॉड कि लेके आई थी, क्योंकि चावल आटा तो सब में ही चाहिए यार। वो तो 1 किलो 2 किलो का नहीं है, आपको पता है कि मंथली हिसाब में कितना हिसाब से होगा, थोड़ा तो कम ज़्यादा हो जाता है। बट कंटेनर रहने से क्या इजी है। एंड सोयाबीन इसमें मैं वहाँ आपको दिखाती नहीं थी ना कि पानी रखती थी, तो इसमें मैं सोयाबीन रख दी हूँ, तो क्योंकि मतलब ये खराब हो जाएगा काट के, फिर कहाँ से रखेंगे, फ्रिज भी उतना बड़ा नहीं है। तो वही यहाँ पे ऐसे तीनों में सेट कर दी हूँ, बहुत जल्दी सब कुछ हो जा रहा है अभी, और थोड़ा थोड़ा है। बाकी चाय वाय थोड़ा सा इंस्टामार्ट से ऑर्डर की थी पहले, तो इसीलिए वो सब अभी पैकेट खोल नहीं रही हूँ, मुझे तो याद रहेगा। चलिए बाकी का हम खत्म करते हैं अभी। तो इसका तो ऑल टाइम, कभी भी कहीं भी बाहर जाऊंगी तो इसको जाना पड़ेगा। तो अभी जस्ट रेडी हो गई हूँ, अभी रेडी हो चुकी हूँ, निकलूंगी थोड़ा से, जो बोल रही थी सब काम खत्म कर दी हूँ अभी। और रात का देखते हैं, पापा अगर बाहर से रोटी बोल रहे हैं आज की, या छोड़ दो आज इतना हेक्टिक शेड्यूल जा रहा है, नहीं करना पड़ेगा, रोटी बाहर से पापा लेके आएंगे। यस, तो अभी जस्ट निकलूंगी, शशांक बोला कि उसको 10-15 मिनट लगेगा, तो उसी हिसाब से ही नीचे जाके वेट करती हूँ, और आने से फिर निकल के बाकी का जो टाइल्स वाइल्स का काम खत्म करके आ जाते हैं। क्योंकि मंडे से तो शशांक का टाइम नहीं होगा, आते तो 8 ऐसे 8:30 तो 9 बजेगा ही, और सुबह उठ के जाना है, तो रात में सिर्फ सोना ही है उसको। तो बस यही है अभी, और कुछ मतलब खास नहीं है रात का रूटीन, देखते हैं जो अगर होगा तो मैं आपके साथ तो ऑब्वियसली शेयर करूंगी, कुछ खास होता है तो। तो चलिए अभी मैं निकलती हूँ। शाम में देखिए मून यहाँ से दिख रहा है, हाफ मून है, पूर्णिमा आ जाएगा तो और बस उस टाइम पूरा गोल हो जाएगा। अभी तो राखी पूर्णिमा है, जिस जो भी पूर्णिमा आ रहा है, रिद्धि के स्कूल में भी फंक्शन है, वो लोग एक लिस्ट दिए हैं, अभी ये झंझट है अभी वो देख के फिर से लाना है। मतलब अभी हर दिन कुछ ना कुछ है, एंड मुझे पर्सनली मतलब कुछ भी आता नहीं है, तो वही एक मतलब प्रॉब्लम है कि स्कूटी भी रहता तो, और स्कूटी में ये जो एरिया है ना, राजारहाट जो हम लोग का एरिया है, इतना बहुत मतलब भीड़ एरिया है, तो पूरा खाली खाली नहीं है कि आप कहीं भी कैसे भी करके चले जाएंगे। वो दीदी को लेके जाना तो बहुत हेक्टिक है, तो उससे बेटर है कि ऑटो और टोटो लेना ही बेटर है, तो वही मैं करूँगी। अभी देखते हैं आज या कल सुबह ही एक परमानेंट टोटो या ऑटो को मतलब बोल के पूरा मंथली कर दूँगी, क्योंकि रिद्धि को एक बार लेके जाना है। उसके बाद क्योंकि शशांक 8 बजे निकल जाएगा, रिद्धि का स्कूल स्टार्ट होता है 8:50 से, तो मैं 8:40 या 8:30 बजे निकलती हूँ, तो शशांक 8 बजे आधा घंटा पहले बच्चे जाके कहाँ पे रुकेंगे, स्कूल का गेट भी नहीं खुलेगा, और उसके लिए भी हेक्टिक है इतना जल्दी जाना। तो ही मैं बोली हूँ कि मतलब लाने के टाइम में तो कुछ करना ही है, तो बेटा जाने के टाइम भी करूँगी पापा आशु, और फिर रिद्धि को छोड़ के मेरे पास जो 3 घंटा रहेगा वो घर में जाना है, तो उसी घर में सोच रही हूँ कि जिम है, थोड़ा सा उस टाइम टाइम पास कर लूँगी। जिम में आज गई थी, फर्स्ट डे ट्रेडमिल की, तो थोड़ा सा पैर दुख रहा है, तो आगे जाके तो वो सब करना है, तो टाइम ऐसे करके मैनेज करना है। 3 घंटा मैं मिस्त्री के साथ क्या देखूँगी, बीच बीच में देखना है, तो ऐसे करके तो सोच रही हूँ एक परमानेंट होने से वो मुझे ले के जाने आने वो सब करेंगे, ये 2 मंथ के लिए, उसके बाद तो देखती हूँ वो घर जाने के बाद, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो देखते हैं उन लोगों के साथ बात करके, बट अभी 2 मंथ के लिए तो ये अरेंजमेंट करना ही है। एंड बस यही है, तो ये सब प्लानिंग चल रहा है धीरे धीरे। बट हाँ, इस वीक का जो जो हम लोग मतलब किए थे कि हाँ ये आप जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, सब हम लोग मतलब कंप्लीट कर चुके हैं, तो काम भी स्टार्ट ऑलमोस्ट हो चुका है। फॉल सीलिंग का काम शायद कल से होगा, वो प्लाई व्लाई, तो अभी पापा भगवान को संध्यावाती कर रहे हैं, यहाँ पे रखी हूँ क्योंकि फैन के लिए मैं यहाँ पे ही भगवान को रखी हूँ। यस, तो यहाँ पे इनका भगवान घर है, बट मैं ए तो
भगवान घर है बट मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि फैन वैन नहीं है और पूरा ऐसे स्टोरेज का ऐसे करके है, तो वही मैं यहाँ पे भगवान को कर रही हूँ। कल रिद्धि का देखते हैं, ड्राइंग टीचर आएंगे बोले हैं, अब मतलब सेंटर से मैं बुक की हूँ तो आएगा शायद, क्योंकि उज्जैन से अब रिद्धि का क्या रिएक्शन होता है वो मुझे देखना है, क्योंकि लेडीज़ मुझे उतना अच्छा कोई मिला नहीं है, तो बस यही है खास। तो चलिए मैं निकलती हूँ, शशांक का टाइम हो चुका है, मैं नीचे जाके वेट करती हूँ। शशांक बोला उसका आने में और 10-15 मिनट लगेगा, वो घर से मिस्त्री को लेके जाना पड़ेगा क्योंकि माँ फूलों के पास ही है कि कौन सा क्या हम मतलब कितना क्वांटिटी में चाहिए। तो मैं ये ऑन की हूँ करके, शायद इसका साउंड आता है वीडियो में। तो रिद्धि का, मेरा और मम्मी का कलौंजी डाल के, टमाटर डाल के, एक बॉइल आलू टाइप का, एक मतलब वो क्या बोलते हैं करी टाइप का एक करूँगी। रिद्धि को ये सब्जी उस दिन से पूरी के साथ लेके गई थी तो उस दिन से उसको बहुत पसंद आया। उसके कर जाने के बाद, उसको खिलाने के बाद मैं बाद में हम लोग चिली ऐड करेंगे। एंड पापा जब रोटी लाएगा तो शशांक बोला कि चिकन का कुछ एक आइटम लेके आने के लिए, तो पापा और शशांक वो लेगा और हम लोग के लिए, मुझे मन नहीं है आज चिकन खाने का। तो चलिए अभी मैं इसको सब्जी को करके घर से चली जाऊंगी तो क्या है हो जाएगा, मम्मी के ऊपर अब उतना ये नहीं रहेगा, मम्मी भी आके शायद थक जाएगी। तो चलिए मैं कर लेती हूँ। तो ये लो फ्लेम में अभी होगा और मैं निकल जाती हूँ, शशांक आ गया है, 5 मिनट ही है तो निकलते निकलते 5 मिनट हो जाएगा, तो ये पापा देख लेंगे। तो चलिए निकलती हूँ, चल चल चल। सुबह अराउंड 7 o'clock फिर गया वर्क करने, उसके बाद रिद्धि उठी, उठ के रिद्धि देखिए पढ़ने बैठ गई है, मैं अपना चाय ले ली हूँ, इंसान आया नहीं है, फोन कर रही हूँ फोन भी नहीं उठा रहा है, देखिए क्या किया है। ये देखिए बोलो हा? ये देखो वर्कआउट करके आके इली मतलब वर्कआउट के टाइम इलीस का सपना देखा। क्या करूँ, अभी 2 साल से कोलकाता इलिश नहीं खाया था। 2 साल से? हाँ, 2 साल पहले जब कोलकाता वो एक बार आए थे नारायणपुर में आया था उस टाइम पे इलिश खाया था। तो वो जब सैटरडे जिस दिन लौटा था उसी दिन शाम को ही सोच रहा था, उस दिन घर का मन कुछ हालत ही ठीक नहीं है, तो देखिए लेके आया है और ये इसको टच करके देख रहा, क्वालिटी बहुत अच्छा है, कितना बड़ा बड़ा पीस है देखो। कितना बड़ा बड़ा इसका टेल भी कितना बड़ा है। किचन में आ चुकी हूँ, बहुत टाइम हुआ है, तो घर और थोड़ा जो जो ड्रेस था वो घर से लाई थी, थोड़ा वॉशिंग मशीन में डाल के सब कुछ सुखाई हूँ। आज थोड़ा बारिश बारिश मौसम है, शशांक अभी जस्ट निकला ना के फ्रेश होके कार वॉशिंग करने के लिए, कार का भी कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, मतलब ऐसा अच्छा है धूल मिट्टी ये सब पूरा अंदर अंदर नीचे था, तो अभी गया है वो काम कर रहा है। रिद्धि के लिए मैं एक ड्राइंग टीचर रखी हूँ, वो सर आज आए हैं। एक्चुअली रिद्धि मतलब बहुत ज़्यादा मोबाइल में मतलब ये हो रही थी, इसीलिए मैं उसके लिए थोड़ा सा एंगेज करने के लिए रखी हूँ, अदरवाइज उतना मेरा कुछ मोटो नहीं है कि वो अभी बहुत अच्छा ड्राइंग करेगी एंड होल्डिंग अच्छा होगा पेंसिल में, इसीलिए मैं उसको रखी हूँ। मेरे पास कर नहीं रही है, प्रॉब्लम यही है। और किचन में आई हूँ, रिद्धि का चल रहा है तो मैं दिखा रही हूँ आज क्या क्या होने वाला है। तो मैं रिद्धि के लिए चिकन कर रही हूँ, उसका अभी 2 पीस, रात का 2 पीस। चिकन हम लोग जैसे करते हैं वैसा ही मैं रिद्धि के लिए भी करती हूँ, जस्ट चिली नहीं देती हूँ अभी भी उसको नहीं की हूँ। और जो हिल्सा पीस है उसको मास्टर्ड को मैं पेस्ट की थी यहाँ पे, उसको पानी डाल के मास्टर्ड का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो मैं ऑलवेज फेंक देती हूँ एंड बाकी का अभी करूँगी। तो वो प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की हूँ, मास्टर्ड में मैं चिली एंड थोड़ा सा सॉल्ट डाल के करती हूँ, अदरवाइज कुछ कुछ मास्टर्ड बहुत कड़वा रहता है, अच्छा टेस्ट नहीं आता है, तो उसको अभी करके पानी के साथ जस्ट एक बड़ा सा छलनी ले ली हूँ। अभी इसको ऐसे करके हाथ से
और थोड़ा सा पानी ऐसे करके डाल के इसको करूँगी। इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और अभी कर्ड भी लूँगी, कर्ड को भी मैं इसके साथ पेस्ट कर दूँगी तो जो लम्स है वो नहीं होता है। तो शशांक तो मॉर्निंग में जाके लेके आया है, बहुत खुश है आज ये देख के, क्योंकि उसका मन में अभी भी चल रहा था कि हम लोग कोलकाता शिफ्ट हुए अच्छा है कि नहीं है, जो भी अपना घर है जो भी है, क्योंकि रिनोवेशन करने में भी जो है घर का एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट का बजट है। तो वही शशांक बोल रहा है कि हम लोग ठीक किए हैं कि नहीं, बट हाँ आज सुबह बोल रहा कि नहीं नहीं बंगाली लोगों के लिए कोलकाता ही ठीक है, क्योंकि इतना जो है ये सब मतलब टेस्ट का तो एक डिफरेंस होता ही है ना। बॉम्बे में भी हम लोग को मिल रहा था जलोंगी से, बट हाँ मतलब यहाँ से जा रहा था वो जलोंगी, यहाँ पे भी है क्विक मतलब है, जैसे कि लीसीएस में 60-90 मिनट्स के अंदर आ जाता है, वैसा जलोंगी का भी यहाँ पे वही है। तो मैं तो बहुत दिन से ही मतलब मुझे लगा था कि ये डिसीजन ही सही है, क्योंकि घर रहने से ही लगता है एंड हमारा सारा रिलेटिव ही आसपास ही है, तो कभी भी किसी का प्रॉब्लम होने से या हम लोग कोई कभी भी किसी की जरूरत होने से कोई आ पाएंगे, स्पेसिफिक मेरे पापा तो आ जा सकते हैं। बॉम्बे में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, पापा का भी एज हो रहा है, अचानक से आना मुश्किल है, तो वही उसी लिए मुझे लग रहा है कि हाँ ये डिसीजन सही है। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं, फिर ख़त्म भी करना है। एंड फिश का साइज भी आप देख सकते हैं, मतलब बहुत स्टैंडर्ड साइज का है, जो कि वहाँ पे हम लोग को नहीं मिल रहा था, छोटा साइज का मिल रहा था, यहाँ पे साइज बहुत बड़ा है। तो चलिए मैं इसको मस्टर्ड दे दी हूँ, अभी कर्ड को पेस्ट कर लेती हूँ। तो कर्ड ली हूँ, कर्ड को अभी पेस्ट कर लूँगी। तो कर्ड पेस्ट हो चुका है, अभी मैं इसको यहाँ पे मिला दे रही हूँ। अभी इसमें हल्दी सॉल्ट मस्टर्ड ऑयल डाल के उसको बैठा दूंगी। थोड़ा से हल्दी, थोड़ा से आपका मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ, कढ़ाई में भी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ, इसमें थोड़ा से कलौंजी डालूंगी, ये जो पेस्ट है इसको डाल दूंगी, सॉल्ट डाल के कवर कर दूंगी। वो होगा अपने होने में जस्ट आधा घंटा। शशांक का ये वाला फेवरेट है, मैं शायद बॉम्बे का वीडियो में भी दिखाई थी, इलिस का हेड के साथ इलिस का जो ऑयल निकलता है वो उसको बहुत पसंद है। तो मुझे उतना फ्राई वाला पसंद नहीं है, ग्रेवी वाला ही पसंद है, तो मुझे निकल के इसको अच्छा से क्रांची करके फ्राई करूँगी स्लो आंच में। एंड बस सब कुछ हो गया है, चोखा भी हो गया है, इसमें राइस, एवरीथिंग इज कम्प्लीट। चलिए तो अभी फिर से वो घर जा रही हूँ और एक बार टाइल्स का दुकान जाना है, देखते हैं अगर होता है तो करेंगे वो काम, अदरवाइज बारिश भी आज हो रहा है, सब मिला के पूरा हिचपिच है। बाहर आज बारिश भी हो रहा है और हम लोग का एसी काम नहीं कर रहा था यहाँ का, तो अर्बन कंपनी से आके वो ठीक करके वो गए। तो इल्सा फिश खा के लग रहा है कि सो जाओ, ये जाना है अभी। चलो फिर, आसमान पूरा क्लाउड है, क्लाउडी है, बीच बीच में हो रहा है, बीच बीच में नहीं हो रहा है, और अभी रिद्धि 2 घंटा सोएगी तो उसी के हिसाब से जाना है। हवा भी आज बहुत सुंदर दे रहा है, बहुत सुंदर हवा है, देखिए कितना फ्लावर है, अच्छा से ये सब भी बहुत अच्छा से, बट अभी पूरा ओवरऑल सजाया नहीं है, बट हाँ छोटा छोटा फूल पेड़ सब हुआ है, ये टूट भी गया है बहुत सारा। तो हम लोग दमदम के साइड आ गए हैं, यहाँ पे ऐसे टाइप का कुछ एक हॉल है, इसका ही हम लोग कहते हैं, अभी हम लोग को उस साइड जाना है, तो रोड क्रॉस करके अभी चले जाएंगे। मैं पूरा रिसर्च किया है, फिर मिस्त्री बोल रहा है सर ये दुकान से सामान लो, शशांक बोल रहा है नहीं नहीं उसका वहाँ पे कमीशन है, मैं ये वाला दुकान से लूँगा, अभी वो दुकान आई हूँ, इतना दिमाग ज़्यादा लगा दिया है, पहुँच गया है।
तो अभी हम लोग टाइल्स के शोरूम में आए हैं, अभी चूज कर दिया है शशांक, अभी देखते हैं। फ्रेंड्स तो आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, रात भर एक्चुअली संडे मॉर्निंग है, तो सैटरडे रात से ही रिद्धि का तबीयत, मतलब शाम से उसको अच्छा नहीं लग रहा था, फिर रात से उसको बहुत वॉमिटिंग, पेट दुखना, लूज मोशन, वो सब है। तो मेडिसिन चल रहा है, अभी भी कंट्रोल नहीं है। आज सुबह से ज़्यादा ही तबीयत खराब है, तो डॉक्टर के पास शशांक गया है, मतलब कंसल्ट करने, फोन नहीं उठा रहे थे डॉक्टर, तो बात हो गया है डॉक्टर से, जो जो मेडिसिन बोला है शशांक, तो मैं पापा से वो सब मंगाई हूँ, अभी वो मेडिसिन चल रहा है। शशांक एक्चुअली आ नहीं पाया है, वो घर में भी आज उसको बहुत ज़रूरत है, तो वो घर में वो है अभी, क्योंकि कल तो मंडे है, तो इसीलिए और ज़्यादा कुछ ब्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ, जो भी है मैं अपडेट दी आपको, तो होप कि रिद्धि रिकवर कर जाएगी। तो यही था आज का मतलब ब्लॉग अप टू, तो आप लोग देखिए, अभी हेफाजत हो रहा है, कभी कभी शूट कर पा रही हूँ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि रिद्धि मेन है, रिद्धि के लिए सब कुछ नहीं हो पा रहा है, इधर उधर होने से रिद्धि को भी प्रॉब्लम हो जा रहा है, और वो घर में मम्मी या पापा भी मेरे हैं वहाँ पे, रुक नहीं रही, उसको लग रहा है कि मम्मी कहीं चली जाएगी, तो इसीलिए वो उसको लेके जाना पड़ रहा है बार बार, और उसी लिए उसको नींद ठीक से नहीं हो रहा है, ये सब के वजह से शायद हो सकता है। एंड जो भी है, अभी तो कुछ चारा तो नहीं है, अभी जब तक वो घर में सेट नहीं हो तब तक ये लगे रहेगा, तो होप कि वो अच्छा हो जाएगी जल्दी से। तो चलिए मैं ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ, आप लोग ब्लॉग देखिए, एंजॉय कीजिए, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगा। बाय बाय।